दोस्तों, अगर आप घर बैठे ही किसी जेन्युइन प्लेटफॉर्म से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो भाई आज की इस वीडियो में आप लाइव स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने कंप्लीट डिटेल इस लोन एप्लीकेशन में मेरी प्रोवाइड करवा दी है। और भाई आधार पैन कार्ड की डिटेल पर आप लाइव देखेंगे इस लोन एप्लीकेशन में हमारे लिए जो लोन ऑफर निकला है वो भाई यहाँ पर देख सकते हैं 2 लाख रुपए का यहाँ पर लोन ऑफर निकल कर आ चुका है। अब इस 2 लाख रुपए में भाई आप चाहे तो आप यहाँ पर कम से कम 50,000 रुपए का लोन ले सकते हैं, तो इस स्क्रोल बार को आप कम करेंगे या फिर आप मैक्सिमम यहाँ से आप 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। यहां पर आप 50 का भी लोन ले सकते हैं या फिर 1 लाख रुपए का भी लोन ले सकते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहां पर इस लाइन को कम ज्यादा आप लोग कर सकते हैं। अब भाई इस लोन अमाउंट पर जितना भी जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो सारे चार्जेस हमें यहां पर नीचे शो हो रहे होंगे, ये सारे चार्जेस आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। इसके अलावा टोटल हमारे बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट डिस्पर्सल किया जाएगा, कितने महीने के लिए हम ये लोन ले रहे हैं, कितनी पर मंथ हमारी ईएमआई बनेगी, भाई टोटल रिपेमेंट हमें कितना करना होगा, टू-जेड प्रोसेस आप इस पेज पर यहां पर पॉज करके देख सकते हैं। अब नीचे हम टर्म्स पर क्लिक करके प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो भाई जो लोन का पैसा है हम इजीली हमारे बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ये लोन एप्लीकेशन है, किस प्रकार आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और साथ ही साथ अगर इस एप्लीकेशन में आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो कितना आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना होगा, ये एप्लीकेशन आपको लोन वापस लौटाने का जो टाइम एंड टेन्योर है भाई कितना देगी, ए टू जेड प्रोसेस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए भाई आप यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पे देख सकते हैं हम प्ले स्टोर पर आ चुके हैं और एप्लीकेशन को भाई मैंने फिलहाल यहाँ पर ब्लर किया हुआ है, एप्लीकेशन को यहाँ पर छिपाया हुआ है जो कि मैं हर वीडियो में छिपाता ही छिपाता हूँ, क्योंकि भाई एप्लीकेशन का नाम आपको पहले ही बता दूंगा, एप्लीकेशन का नाम पहले ही रिवील कर दूंगा। तो भाई बहुत सारे लोग हैं जो एप्लीकेशन का नाम पता चलते ही डायरेक्ट लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं, भाई वो वीडियो का प्रोसेस अच्छे से देखते नहीं है, अच्छे से समझते नहीं है, एप्लीकेशन के बारे में नहीं समझते हैं, बस एप्लीकेशन का नाम पता चलते ही डायरेक्ट लोन के लिए अप्लाई करते हैं और नतीजा भाई खुद से लोन अप्लाई करेंगे तो कुछ गलती करेंगे और उनका जो लोन है भाई रिजेक्ट हो जाएगा। तो 2-4-5 मिनट का टाइम निकाल ले, पहले वीडियो को प्रोसेस अच्छे से देख ले, अच्छे से समझ ले कौन सी जगह पर क्या फिल करना है, कौन सी गलती नहीं करनी है, इसी के बाद भी आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। अदरवाइज एप्लीकेशन का नाम तो वीडियो के बीच में या फिर वीडियो के अंत में मैं आपको कन्फर्म बताई दूंगा। तो भाई सबसे पहले एप्लीकेशन की हम प्ले स्टोर पर रेटिंग देंगे तो एप्लीकेशन को 4.5 की यहाँ पर रेटिंग मिली हुई है, काफी जबरदस्ती रेटिंग है। अगर किसी भी एप्लीकेशन को 4+ रेटिंग मिलती है तो भाई लोन डिस्पर्सल करने के मामले में एप्लीकेशन आपको 1 नंबर देखने को मिल जाएगी। इसकी हम डाउनलोडिंग की बात करें तो भाई एप्लीकेशन को भाई 5 लाख लोगों ने यहां पर इंस्टॉल किया हुआ है, भाई एप्लीकेशन नई है और लोन डिस्पर्सल भी काफी इजी प्रोसेस से फिलहाल कर रही है, तो डाउनलोडिंग भाई थोड़ी सी कम हो सकती है लेकिन एप्लीकेशन भाई काफी पॉपुलर और काफी जबरदस्त ये लोन एप्लीकेशन है। इसके अलावा आप यहां पर अबाउट सेक्शन में आकर देख सकते हैं कि एप्लीकेशन कितने से कितने का लोन देगी, कितना एक्स्ट्रा चार्जेस लेगी, अदरवाइज ये सारी चीजें तो हम भाई लाइव लोन अप्लाई करके देखने ही वाले हैं, क्यों अबाउट सेक्शन में जाना। और सबसे बड़ी बात, एप्लीकेशन भाई आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के सभी रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए भाई आपको लोन प्रोवाइड करवाएगी। तो चलिए दोस्तों एप्लीकेशन को हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे एंड लोन अप्लाई करने का लाइव प्रोसेस देखने वाले हैं। देखिए भाई एप्लीकेशन डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो चुकी है आपके सामने और एप्लीकेशन को मैंने सक्सेसफुली यहां पर ओपन कर लिया है। एप्लीकेशन का पहला इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, आपको पेज में रेगुलर स्वाइप अप करना है, स्वाइप अप साइड करना है और नीचे आपको गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक करना है। भाई सभी चीजों को आप यहां पर परमिशन दे देंगे, अलाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो सभी चीजों को आप अलाउ करते करते आगे बढ़ जाएंगे। देखिए भाई सबसे पहले इस एप्लीकेशन में आपको अपनी सिम को यहां पर वेरीफाई करना होगा, तो जो सिम कार्ड आपके हैंडसेट में लगी हुई है वही मोबाइल नंबर इस एप्लीकेशन के अंदर रजिस्टर करें। अब देखिए भाई मोबाइल नंबर को ओटीपी से वेरीफाई करते ही भाई हमारे जो मोबाइल नंबर यहां पर सक्सेसफुल यहां पर ओटीपी से वेरीफाइड हो चुका है, सिंपली हम नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। हम जैसे यहां पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर यूजिंग एमपीएन यहां पर सेट कर सकते हैं या फिर आप अपने डिवाइस में जो आपका सिक्योरिटी पिन है वो आप यहां पर डाल सकते हैं। अब देखिए भाई एप्लीकेशन के अंदर हम सक्सेसफुल यहां पर अंदर आ चुके हैं और एप्लीकेशन का सबसे पहला यूजर इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अब देखिए भाई ये जो एप्लीकेशन है, जो कंपनी है भाई काफी पॉपुलर है, तो इस एप्लीकेशन अंदर आपको और भी काफी सारी सर्विसेज देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन में आप अपने अकाउंट को यूपीआई से भी लिंक कर सकते हैं और ऑनलाइन आप ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हैं, जैसे आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे में करते हैं, सेम इसी प्रकार आप अपने अकाउंट को यूपीआई से एप्लीकेशन में लिंक करके भी आप ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे तो आपको यहां पर एक स्कैनर का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, पे मोबाइल रिचार्ज या फिर मनी रिसीव, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, ये सारी चीजें आप यहां पर देख सकते हैं। लेकिन भाई इस एप्लीकेशन में अगर हम आए हैं तो हमारा जो मेन उद्देश्य है भाई लोन, पर्सनल लोन, तो आप इधर साइड में कॉर्नर में देखेंगे आपको एक लोन का सेक्शन नजर आ रहा होगा,
सिंपली आपको इसी पर ही क्लिक करना है। हम जैसे लोन पर क्लिक करेंगे तो भाई आपको काफी सारे लोन वाले ऑप्शन नजर आ जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई इस एप्लीकेशन से आप काफी सारे लोन ले सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन भाई काफी पॉपुलर है तो आपको काफी सारे लोन प्रोवाइड करवा देगी और जो भी इजी प्रोसेस के साथ में। तो भाई आप होम लोन के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई हमें पर्सनल लोन की आवश्यकता है तो सिंपली हम यहाँ पर पर्सनल लोन पर ही क्लिक करेंगे। हम जैसे यहाँ पर पर्सनल लोन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो नेक्स्ट यूजर इंटरफेस नजर आएगा वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अब आप ऊपर में देखेंगे आपका जो नेम है वो नेम यहाँ पर शो हो जाएगा और भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं जीरो डॉक्यूमेंट्स फिक्स ईएमआई के साथ ही भाई आप मैक्सिमम इसे एप्लीकेशन से 10 लाख रुपए तक का लोन भाई ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल रियलिटी है। ये एप्लीकेशन आपको 101% से अगर आप एलिजिबल है तो आपको मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन ऑफर कर सकती है। अदरवाइज भाई आप अगर एलिजिबिलिटी ठीक ठाक है तो आपको कम अमाउंट का लोन तो ये एप्लीकेशन दे ही देगी। तो भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाई आप क्विक पर्सनल लोन लेना चाहते हैं यहाँ पर, तो ये लोन किस पर्पज से ले रहे हैं भाई? आप किसी पर्सनल यूजेज के लिए ले रहे हैं या फिर मेडिकल इमरजेंसी के लिए ले रहे हैं, शादी वगैरह के लिए ले रहे हैं? तो आपको यहाँ पर काफी सारे लोन पर्पज नजर आ रहे होंगे। तो भाई यहाँ पर पर्सनल इश्यूज की वजह से हम ले रहे हैं तो पर्सनल इश्यूज पर हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एलिजिबिलिटी भाई नजर आ चुकी है। ये जो लोन एप्लीकेशन है, अगर आपकी एज 23 साल से 60 साल है, इसके बीच के व्यक्तियों को ये एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड करवाएगी और आपकी जो मिनिमम भाई इनकम है वो 25,000 आपकी होनी चाहिए, वो सेल्फ एम्प्लॉय के तौर पे हो या फिर सैलरीड पर्सन के तौर पे हो। तो हमारी दोनों ही एलिजिबिलिटी में हम भाई फिट बैठते हैं, हम अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करते हैं भाई हमारे सामने कुछ डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है। आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी होगी, ये पर्सनलाइजेशन योर लोन की डिटेल आपको देनी होगी, वेरिफिकेशन करना होगा एंड फाइनल लोन का अमाउंट डिस्पर्सल यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम नीचे प्रोसीड के नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। हम जैसे यहाँ पर प्रोसीड नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो नेक्स्ट यूजर इंटरफेस नजर आएगा वो कुछ इस प्रकार से भाई आपको देखने को मिल जाएगा। अब भाई ऊपर में आपके मोबाइल नंबर आपको यहां पर नजर आ जाएंगे, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं जो हमने यहां पर वेरीफाई कर दिया है। अब नीचे दो टर्म एंड कंडीशन आपको नजर आ रही होगी, इन दोनों टर्म्स पर हम क्लिक करेंगे एंड भाई नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। इससे पहले भाई आप यहां पर देख सकते हैं आपको अपनी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स यहां पर तैयार रखने के लिए यहां पर बोला जा रहा है। सिंपली हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं भाई आपकी जो पैन कार्ड के नंबर है वो पैन कार्ड के नंबर आपसे यहां पर मांगे जाएंगे। तो आपकी जो भी पैन कार्ड के नंबर है वो पैन कार्ड के नंबर आप यहां पर फिल करेंगे एंड नीचे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। यहां पर देखेंगे तो जैसे आप पैन कार्ड के नंबर यहां पर दे देंगे तो भाई आपके पैन कार्ड पर जो डिटेल है भाई ऑटोमेटिक यहां पर उठा ली जाएगी। जैसे पैन कार्ड की नंबर देंगे, जो आपका फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये ऑटोमेटिक ही पैन कार्ड नंबर डालते ही आपके सामने यहां पर ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। अगर ये डिटेल सही है तो सिंपली आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते ही वेरिफिकेशन योर डिटेल, भाई आपकी जो डिटेल है पैन कार्ड की डिटेल वो यहां पर वेरीफाई की जा रही है। तो लगभग हम 30 सेकंड या फिर 1 मिनट का यहां पर वेट कर लेते हैं। अब देखिए भाई आगे का पेज हमारे सामने यहां पर हाईलाइट हो चुका है। अब हमारा जो जेंडर है वो जेंडर हमसे यहां पर पूछा जा रहा है कि हम मेल है, फीमेल है या फिर अदर है। तो जाहिर सी बात है भाई हम यहां पर मेल है, मेल पर क्लिक करेंगे। हमारी जो भी पर्सनल ईमेल आईडी है वो पर्सनल ईमेल आईडी हम यहाँ पर फिल करेंगे, फिर से नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज भाई हमसे हमारी जो लोकेशन की परमिशन है वो हमसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपनी लोकेशन की परमिशन दे। तो सिंपली हम यहाँ पर नीचे ग्रेट परमिशन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो लोकेशन की परमिशन है यहाँ पर एक्सेस हो जाती है। तो हमारी भाई जो एड्रेस है वो लोकेशन के हिसाब से यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच कर लिया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हम लोकेशन की परमिशन को यहाँ पर एक्सेस देंगे तो हमारा एड्रेस है वो मैप के थ्रू भाई यहाँ पर ऑटोमेटिक एक्सेस कर लिया जाएगा और हमारा जो एड्रेस है वो मैप के थ्रू यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच हो चुका है। तो भाई आप जिस जगह से ये लोन अप्लाई कर रहे हैं उस जगह का जो एड्रेस है यहाँ पर ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेरी तरफ से आपको यहाँ पर रिकमेंड करूंगा, आप अगर ये लोन अप्लाई कर रहे हैं तो भाई उसी जगह से लोन अप्लाई करें जिस जगह पर आपका आधार एड्रेस हो। तो चलिए दोस्तों, हमारा सेम एड्रेस है तो सिंपली हम यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। हम जैसे यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो एड्रेस है वो हम यहाँ पर शो हो चुका है, जो कि हमारा मैप के थ्रू ये एड्रेस उठा लिया गया है। तो भाई हमारा एड्रेस जो भाई सही है, हम यहाँ पर सारी चीजें वेरीफाई करेंगे एंड नीचे देखेंगे आपको इस पेज में ज्यादा फिल करने की जरूरत नहीं है, हमारा एड्रेस ऑटोमेटिक हमारा आ चुका है। अब नीचे टाइप ऑफ रेजिडेंशियल पर क्लिक करना है। अब आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि भाई आप जिस जगह पर रह रहे हैं, जिस घर पे रह रहे हैं, अगर आपका खुद का वो घर है तो भाई आप सेल्फ ओनर पर क्लिक करेंगे या फिर आप रेंट पे रह रहे हैं तो आप रेंट पर क्लिक कर सकते हैं, फिर भाई किसी कंपनी के थ्रू आपको दिया हुआ है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो भाई ओपीसीली हमारा खुद का घर है तो हम यहाँ पर सेल्फ ओनर पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। हम जैसे यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा भाई वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर हमारा जो पेज है यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर फिल हो चुका है, यहाँ पर ओके का आइकन बनकर आ चुका है। इसके अलावा हम यहाँ पर नीचे 3 स्टेप्स को यहाँ पर और कंप्लीट करना होगा। तो सिंपली हम यहाँ पर प्रोसीड नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। हम जैसे यहाँ पर प्रोसीड नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो फाइनल दोस्तों यहाँ पर कुछ देर का वेट करने के बाद में हम यहाँ पर थोड़ी देर का वेट करेंगे और वेट करने के बाद में फाइनल हमारे जो भाई लोन ऑफर निकल कर आया है आप यहाँ पर लाइव देखेंगे। हमें 50,000 रुपए से पूरे 2 लाख रुपए तक का ये एप्लीकेशन भाई लोन प्रोवाइड करवा रही है। अगर हम कम अमाउंट
अमाउंट का लोन चाहते हैं तो स्क्रोल बार को हम यहाँ पर कम करेंगे तो मिनिमम हम 50,000 का लोन ले सकते हैं और मैक्सिमम भाई 2,00,000 रुपए का लोन ले सकते हैं। अब नीचे इस लोन का अगर आप मैक्सिमम पूरा 2,00,000 रुपए का लोन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे एक्स्ट्रा चार्जेस भाई नजर आ रहे होंगे। इन एक्स्ट्रा चार्जेस को आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से एक बार यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। अब देखिए भाई, अगर मुझे यहाँ पर मैक्सिमम 2,00,000 रुपए का लोन मिल रहा है, मुझे मिल रहा है क्योंकि भाई मेरा सिविल यहाँ पर अच्छा है, एक्सीलेंट है। अगर मुझे यहाँ पर 2,00,000 रुपए का लोन मिल रहा है तो ऐसा नहीं कि भाई आपको भी यहाँ पर 2,00,000 रुपए का लोन मिल जाएगा। अगर आपका सिविल थोड़ा ठीक ठाक है तो भाई आपको कम अमाउंट का भी यहाँ पर लोन मिल सकता है, मैक्सिमम भाई आपको 50,000 रुपए का भी मिल सकता है या फिर भाई मुझसे ज्यादा भी आपको यहाँ पर लोन मिल सकता है, 5,00,000 का भी मिल सकता है। तो भाई मुझे तो यहाँ पर मैक्सिमम 2,00,000 रुपए का मिल रहा है तो यहाँ पर मैं फुल 2,00,000 रुपए पर क्लिक करूंगा एंड नीचे टर्म्स पर क्लिक करके सिंपली मैं यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करूंगा। अब आगे के प्रोसेस भाई आप यहाँ पर देखेंगे आपको अपनी एक सेल्फी यहाँ पर क्लिक करनी होगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लेट योर सेल्फी। आप यहाँ पर सिंपली कैप्चर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल का कैमरा है भाई यहाँ पर चालू हो जाएगा और मोबाइल को बिल्कुल सामने लाकर आपको अपनी एक अच्छी सेल्फी यहाँ पर क्लिक कर देनी है। ध्यान रहे दोस्तों, इस एप्लीकेशन के काफी सारे अपडेट्स वगैरह आते रहते हैं तो लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा चेंज वगैरह हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से उस चेंज को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। हो सकता है मैं आपको यहाँ पर लोन प्रोसेस बता रहा हूँ तो इस एप्लीकेशन में 1 से 2 दिन के बाद में जो लोन अप्लाई करने का प्रोसेस है भाई यहाँ पर चेंज हो सकता है। तो मैं यहाँ पर अपनी सेल्फी क्लिक करेंगे एंड आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। अब देखिए भाई, अब आपको अपने आधार कार्ड के थ्रू आपकी जो KYC है भाई उसको भी यहाँ पर आपको कंप्लीट करना होगा। तो आधार कार्ड के नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे, आधार जुड़े मोबाइल नंबर पे एक OTP आ जाएगी, OTP वो आया आप यहाँ पर डालेंगे एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। डिजिटल लॉकर की 6-डिजिट पिन आप यहाँ पर डाल देंगे या फिर 4-गेट पिन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद में आपके आधार कार्ड की कंप्लीट डिटेल डिजिटल लॉकर के थ्रू यहाँ पर उठा ली जाएगी। तो ये सारी डिटेल को एक बार आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब भाई आपको जो मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर आपको वापस से एक बार यहाँ पर फिल करना है एंड गेट OTP पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे फाइनल आपका जो करंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, जो कि आपके आधार कार्ड पर आपका करंट एड्रेस वेरीफाई है वो एड्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आपका ये एड्रेस सही है तो सिंपली आपको कंफर्म के बटन पर क्लिक करके नीचे प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। फाइनल देखेंगे तो भाई आपकी बैंक डिटेल आपसे यहाँ पर मांगी जा रही है, तो आपके बैंक डिटेल को यहाँ पर आपको वेरीफाई करना होगा भाई। जिस बैंक में आप ये लोन का पैसा देते हैं उसी बैंक डिटेल को आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। तो बैंक का चुनाव आप यहाँ पर कर लेंगे, अकाउंट नंबर डाल देंगे, कन्फर्म अकाउंट नंबर डाल देंगे, IFSC कोड डाल देंगे एंड ब्रांच नेम भाई आप यहाँ पर फिल करेंगे। ये तीनों चारों चीज आप यहाँ पर डालेंगे, नीचे प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके बैंक से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगी। OTP को आप वेरीफाई करते हैं आपका जो बैंक का वेरिफिकेशन है वो भी भाई यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब फाइनल दोस्तों, आपको एक लोन एग्रीमेंट करना होता है और एक ऑटो पे सेटअप आपको यहाँ पर कंप्लीट करना होता है। ऑटो पे सेटअप बेसिकली आप जो बैंक अकाउंट यहाँ पर डिटेल दी है उसके डेबिट कार्ड से कर सकते हैं या फिर इस अकाउंट की नेट बैंकिंग से आप ऑटो पे सेटअप कंप्लीट कर सकते हैं। जब आप ऑटो पे सेटअप कंप्लीट करके आप लोन एग्रीमेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो लगभग आधे से एक घंटे के अंदर जो लोन का पैसा है आपके खाते में आपको कन्फर्म देखने को मिल जाएगा। भाई कुछ इस प्रकार के प्रोसेस को फॉलो करके आप इस लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फाइनल दोस्तों, यहाँ पर मैं एप्लीकेशन का नाम रिवील कर देता हूँ कि एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो भाई आप यहाँ पर देखेंगे तो एक बार हम फिर से प्ले स्टोर पर आ चुके हैं और प्ले स्टोर पर आकर आपको टाइप करना है ABCD आदित्य बिरला कैपिटल। भाई सिंपली ये वाली एप्लीकेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। भाई ये जो एप्लीकेशन है आदित्य बिरला कैपिटल की एक ऑफिशियली एप्लीकेशन है, यानी आदित्य बिरला की तरफ से आपको पर्सनल लोन इस एप्लीकेशन के थ्रू प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो भाई ये काफी पॉपुलर और काफी जेन्युइन लोन एप्लीकेशन है, तो बिल्कुल आप ट्रस्ट करके इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको 101% एक बिग अमाउंट का लोन भाई आसानी से प्रोवाइड करवा देगी। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के अलावा फिर भी आपका और भी कोई कंफ्यूज या फिर सवाल जवाब है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी नए और यूनिक वीडियो के साथ। मैं बिगली, जय हिंद, वंदे मातरम।